हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? हम डिस्कशन कर रहे थे अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर हम लास्ट क्लास में अपने अध्याय 4 समांतर श्रेणी के भाग 2 के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। आज की इस क्लास में मैं आपको भाग 3 के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ और आज की सेशन का आनंद उठाइए। देख लीजिए, तो जो हमारा मिशन चल रहा था, उस मिशन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कक्षा 10वीं विषय गणित को। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, उस टॉपिक का नाम क्या है? अध्याय 4 समांतर श्रेणी भाग 3 ये होने वाला है। भाग 1 और भाग 2 के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। जो कोई बच्चा भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है, मैं उससे कहना चाहूंगा कि वह पहले भाग 1 और भाग 2 को देखे, फिर भाग 3 में आए। ठीक है, चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करके सीधा सीधा अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलना है। आपके पास पेन और कॉपी हमेशा होनी ही चाहिए, जब मैं पढ़ाऊं तो आपके पास पेन और कॉपी होना ही चाहिए। ठीक है, आ जाओ, देखो, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होगा। तो यहां पर क्या बोला गया है, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे, क्यूवे और आरवे पद है, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो है। यहां पर हमें एक समांतर श्रेणी दिया गया बच्चों, फिर बोला गया है कि पीवे पद का मान ए, क्यूवे पद का मान बी और आरवे पद का मान क्या है? सिद्ध है। तब के केस में हमें यह सिद्ध कर दिखाना, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूछा कब गया था? छत्तीसगढ़ 2019 सेट ए बी सी, तीनों सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इजिली इसको हम सॉल्व कर देंगे। आ जाओ देखो, तो इसको हल कैसे करेंगे सर, कि पूरे में पूरा अंक मिले, 6 में से 6 अंक मिले। ठीक है, अब देखो मैं इसको आपको हल करने का फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं। यहां पर सबसे शुरुआत में हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, देखो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, यहां पर मैंने बड़ा ए मान लिया। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पर मैं प्रथम पद को स्मॉल ए लेता था, लेकिन यहां पर मैं बड़ा ए। कोई बता सकता है कि सर हमने क्यों बड़ा ए माना है? भैया यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी ए दिया हुआ था, स्मॉल ए दिया हुआ था, तो ये गणित ये बोलता है कि आप उसी चीज को डबल नहीं मान सकते हैं। जब यहां पर क्वेश्चन में ए दिया था तो हम मान रहे हैं, तो उसको हमने बड़ा ए मान लिया, तो हमने समांतर श्रेणी का प्रथम पद को बड़ा ए मान लिया। ठीक है, उसी प्रकार से हम सार्व अंतर को भी मान लेते हैं, तथा सार्व अंतर को भी हम बड़ा डी मान लेंगे। सार्व अंतर डी है। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। अभी तक हमने क्या किया है, माना उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। बिल्कुल सर, फिर यहां पर क्या बोला था कि पीवे पद का मान ए है, क्यूवे पद का मान बी है और आरवे पद का मान क्या है? सी है। अब इस बात को हम एक एक करके लिखना चाहेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, ध्यान से समझना इसको। चूंकि समांतर श्रेणी का पीवा पद बराबर क्या है? पीवा पद का मान ए है। बोलो यहां तक कि क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। अब हमें मालूम है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद का फॉर्मूला ये होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है। ठीक है सर, अब यहां पर हमने प्रथम पद को क्या माना हुआ था? ए, तो यहां पर ए की जगह हम बड़ा ए लिखेंगे। फिर सार्वांतर डी को हमने क्या माना हुआ था? बड़ा डी, तो यहां पर छोटा डी की जगह हम बड़ा डी लिखेंगे। अब हम यहां पर कौन सा पद निकाल रहे हैं? पीवा पद का मान निकाल रहे हैं, तो एन की जगह हम क्या रख देंगे? पी रख देंगे। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे निकालना है उस समांतर श्रेणी का पीवा पद, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ए की जगह बड़ा ए लिख दो, ये हो जाएगा बड़ा ए, प्लस है तो प्लस, फिर क्या था, एन, एन की जगह लिखो बड़ा पी, तो ये हो जाएगा पी माइनस वन, फिर डी की जगह हम लिखेंगे बड़ा डी, बराबर ये हो चुका ए। चलो इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मिल चुका हमें? समीकरण नंबर 1 मिल चुका सर। बिल्कुल यहां तक अच्छे से क्लियर है। सेम केस हम यहां पर क्यूवे पद के लिए भी करेंगे। क्यूवे पद का मान क्या है? बी है, तो एज इट इज मैं फिर से यहां पर लिखूंगा, चूंकि समांतर श्रेणी का क्यूवा पद, अब क्यूवा पद का मान क्या है? तो क्यूवा पद बराबर अब दिया गया है बी। क्या दिया सर? बी दिया है।
एनवा पद का फॉर्मूला ये होता है, अब एन की जगह हम क्या लिख देंगे, क्यूवा पद निकाल रहे हैं तो क्यू का रख देंगे, आजा बिल्कुल रख देंगे, आजा देख लो। तो यहां पर स्मॉल ए की जगह हम बड़ा ए रखेंगे क्योंकि हम प्रथम पद को मान चुके हैं बड़ा ए। फिर है प्लस, प्लस है तो प्लस मैंने लिखा, फिर क्या निकालेंगे, एन की जगह हम निकाल रहे हैं क्यूवा पद, तो ये हो गया क्यू माइनस वन बड़ा डी लिखा जाएगा, बराबर के बाद हमें मिल चुका बी। चलो इसको देते हैं समीकरण नंबर दो, ठीक है, समीकरण दो की कहानी भी अच्छे से क्लियर है सर। फिर अगला क्या दिया था कि आरवे पद का मान क्या है बच्चों, सी है, आरवे पद का मान क्या है, सी है। तो फिर से वही कहानी, क्या कहानी देखो, फिर से यही कहानी हम दोहराएंगे, ये हो जाएगा चूंकि समांतर श्रेणी, चूंकि समांतर श्रेणी का आरवा पद, आरवा पद, अब आरवा पद का मान क्या दिया है, सी दिया सर, क्या दिया है, सी दिया है। तो आरवा पद का मान हम निकालेंगे कैसे, तो यहां पर ये हो जाएगा बड़ा ए प्लस का, फिर ये लिखा आ जाएगा आर माइनस वन, आर माइनस वन, फिर बड़ा डी बराबर ये हो जाएगा सी। चलो समीकरण नंबर तीन की भी कहानी अच्छे से क्लियर है सर। तीन हमें समीकरण मिल चुके, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने यहां पर सजा कर लिख दिए, तीन हमें समीकरण मिल चुके जो क्वेश्चन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो लेकिन मुद्दा अब ये उठता है सर, हम इन्हें तीनों समीकरण का करेंगे क्या, हमें तो ये सिद्ध करना था ना। अब अपनी एक बार नजर जो है जो सिद्ध करना है वहां पर दौड़ाइए, सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, ए के साथ आपको गुणा में दिख रहा है क्यू माइनस आर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर बी की जगह आपको गुणा में, बी के साथ गुणा में क्या दिख रहा है, आर माइनस पी दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, फिर प्लस है और सी के साथ गुणा में क्या दिख रहा है, पी माइनस क्यू दिख रहा है। क्या हमें जो समीकरण एक दो तीन मिला है वहां पर ए बी सी का मान मिला है, बिल्कुल सर मिला है, ए यहां पर आया समीकरण एक में, समीकरण दो में बी आया और समीकरण नंबर तीन में सी आया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण एक के दोनों पक्षों में ना मैं ए, समीकरण एक के दोनों पक्षों में मैं क्यू माइनस आर का गुणा कर दूंगा तो क्या मिलेगा, तो मुझे यहां पर मिल जाएगा ए, फिर गुणा में क्या मिल जाएगा, क्यू माइनस आर मिल जाएगा, ये पोर्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, फिर बी का गुणा मैं कर देता हूं आर माइनस पी के साथ, फिर मैं सी का गुणा कर दूंगा पी माइनस क्यू के साथ, और इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा। तो मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं समीकरण एक दो और तीन में क्रमशः q माइनस आर, आर माइनस पी और p माइनस क्यू का गुणा कर दूंगा और उन तीनों को जोड़ दूंगा, क्यों, क्योंकि यहां पर देख लीजिए प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूं, समीकरण एक में q माइनस आर, समीकरण दो में r माइनस पी और समीकरण तीन में p माइनस क्यू का गुणा कर तीनों को हम जोड़ देंगे। अब इस बात को हम यहां पर लिख लेते हैं अच्छे से, आ जाओ देखो, तो अब यहां पर क्या लिखा जाएगा, देखो समीकरण एक में, समीकरण एक में, समीकरण एक में हम किसका गुणा करेंगे, तो q माइनस आर का, q माइनस आर, फिर समीकरण दो में, समीकरण दो में, तो समीकरण दो में किसका गुणा करेंगे, r माइनस पी का। मैं अपने मर्जी से गुणा नहीं कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, अपने मर्जी से मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, जो हमें सिद्ध करना है उसको देखते हुए मैंने यहां पर गुणा किया हुआ है। तो समीकरण दो में r माइनस पी का तथा समीकरण तीन में, तथा समीकरण तीन में, अब समीकरण तीन में किसका गुणा करेंगे, p माइनस क्यू का, p माइनस क्यू का गुणा कर जोड़ने पर, तीनों को हम जोड़ देंगे, का गुणा कर जोड़ने पर, तीनों समीकरणों को हम जोड़ भी देंगे गुणा कर जोड़ने पर, ठीक है सर, बिल्कुल आ जाओ। चलिए एक एक कर हम गुणा करेंगे, देखो बच्चों, तो हमें जो सिद्ध करना है उसके मैंने लेफ्ट हैंड साइड को देखा तो ए के साथ क्यू माइनस आर था, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं गुणा कराऊंगा ना तो इस वाले पद को पहले लिखूंगा, और जब गुणा करते हैं या फिर जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ता करता है, जुड़ता है या फिर गुणा होता है, उसी प्रकार से राइट हैंड साइड गुणा होता है या फिर जुड़ता है या फिर घटता है, तो हमें यहां पर जोड़ना है। तो पहले मैं इस वाले पक्ष को लिखना चाहूंगा, मैं राइट हैंड साइड को पहले लिखना चाहूंगा, रीजन क्या है कि हमें जो सिद्ध करना है उसके साथ ये चीज हमें दिख रहा है तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ए के साथ मैं किसका गुणा करूंगा, क्यू माइनस आर का गुणा करूंगा, देखो। तो अब यहां पर क्या लिखा जाएगा, देखो ये क्या लिखा जाएगा, चलिए, तो ये हो गया ए के साथ, ए के साथ हम गुणा करेंगे क्यू माइनस आर का, फिर प्लस करेंगे तो प्लस, बी के साथ किसका गुणा हो रहा है, तो बी के साथ गुणा होगा आर माइनस पी का, तो आर माइनस पी, फिर प्लस है तो प्लस, सी का गुणा करेंगे किसके साथ, p माइनस क्यू के साथ। यहां पर इसकी कहानी क्लियर है सर, हमने अभी समीकरण तीनों समीकरणों के राइट हैंड साइड को जोड़ लिया है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष भी बचा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो
इसमें भी हम किसका गुणा करेंगे, q माइनस r का, और इसमें r माइनस p का, और इसमें हम p माइनस q का गुणा करते हैं, क्योंकि समीकरण में जब भी हम कोई संख्या या किसी भी चीज को जोड़ते घटाते हैं तो दोनों पक्ष में जुड़ता है या फिर घटता है या फिर गुणा होता है, तो दोनों पक्ष में करेंगे। अब इस पक्ष की बारी आती है, तो इसमें हम q माइनस r का गुणा करने जा रहे हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर मैं लिखूंगा a प्लस फिर क्या था p माइनस वन फिर बड़ा d। अब इसमें हम गुणा करेंगे किसका, किसका गुणा कर रहे हैं, q माइनस r का, तो ये हो गया q माइनस r। चलो इसको बड़े वाले ब्रेकेट से हम इसको बंद कर देते हैं। चलो सर यहां तक की कहानी क्लियर है। फिर हम जोड़ने जा रहे हैं समीकरण, समीकरण दो के लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहां पर ये लिखा जाएगा प्लस, फिर समीकरण दो का लेफ्ट हैंड साइड क्या था, a प्लस क्यू माइनस वन डी, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस का फिर ये हो जाएगा क्यू माइनस वन बड़ा डी फिर ब्रेकेट क्लोज। अब इसका गुणा हम किससे कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं आर माइनस पी, तो यहां पर आपको छोटा छोटा मैं लिख के दिखा देता हूं। चलो यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है, आर माइनस पी का हम गुणा करने जा रहे हैं। फिर जोड़ेंगे समीकरण नंबर तीन के लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या ये है, तो ये है a प्लस फिर क्या था r माइनस वन डी, और इसमें हम साथ ही साथ किसका गुणा करने जा रहे हैं, हम गुणा करने जा रहे हैं p माइनस q का, तो हमने सभी पक्षों में गुणा कर दिया और जोड़ भी दिया। चलो सर अब क्या करेंगे, तो जो हमें सिद्ध करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल चुका है, तो इसको हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने यहां पर इस बराबर चिन्हों को यहां पर लिख दिया। सर बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है, ठीक है, आ जाओ चलिए बताइए अब क्या करेंगे। देखो देखो q माइनस आर का गुणा इन दोनों पदों के साथ होगा, फिर r माइनस पी का इन दोनों पदों के साथ होगा, फिर सेम केस यहां पर भी p माइनस क्यू का गुणा इन दोनों पदों के साथ होने वाला है। तो मुझे यहां पर देखने से यह पता चल रहा है कि यहां पर a है और यहां पर भी है, तीनों जगह a है, मैं तीनों जगह से a को कॉमन निकाल लूं क्या, बिल्कुल निकाल सकते सर, a को कॉमन निकाल लिया। फिर देखो जब a को हमने कॉमन निकाला है तो इसके जगह अब क्या बचेगा, एक बचेगा, लिखना नहीं है बस समझने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है, a को कॉमन निकाले तो एक की जगह क्या बचा हुआ, एक बचा हुआ, एक का गुणा हम किससे करेंगे, q माइनस r के साथ करेंगे, तो यहां पर q माइनस r ही आएगा। अगर हम किसी भी संख्या का या कि किसी भी चीज का एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी ना, तो यहां पर एक का गुणा मैं क्यू माइनस आर से करूंगा तो मुझे क्यू माइनस आर ही मिलने वाला, बिल्कुल सर मिल गया। सेम केस यहां पर भी होगा, a के हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल ले तो यहां पर क्या बचेगा, एक, एक का गुणा होगा r माइनस पी के साथ तो हमें r माइनस पी ही मिलेगा। फिर यहां पर देखो प्लस है तो प्लस लगाना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा r माइनस पी, फिर यहां पर क्या है प्लस का चिन्ह, मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। ध्यान रखना अभी हम केवल काम कर रहे हैं ए वाले पद पर, फिर हम इसके बाद डी वाले पद पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो यहां पर भी सेम कहानी, a को हमने यहां से कॉमन निकाल लिया तो a को कॉमन निकालना तो यहां पर क्या बचा है, एक बचा है, एक का गुणा करेंगे p माइनस q के साथ तो क्या मिलेगा हमें, प्लस का p माइनस q मिल चुका, फिर ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, एक ही कहानी खत्म हो चुकी। अब बारी आती है सर d का, हम क्या करेंगे, तो प्लस है तो यहां पर मैंने प्लस का चिन्ह लगा, देखो यहां पर d दिख रहा है, यहां पर d दिख रहा है और यहां पर भी मुझे d दिख रहा है, क्या है अगर हम तीनों जगह से d को कॉमन निकालेंगे, सर कोई दिक्कत नहीं सर, निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो, निकाल लिया। चलिए d को मैंने कॉमन निकाल लिया, जब d को कॉमन निकालेंगे तो p माइनस वन का गुणा होगा q माइनस आर के साथ, तो इसको एक बार मैं लिखना चाहूंगा p माइनस वन का गुणा होगा q माइनस आर के साथ, हमने कर दिया गुणा, फिर प्लस है तो प्लस, d को हमने ऑलरेडी यहां पर कॉमन निकाल के बैठा दिया, फिर q माइनस आर का गुणा, q माइनस वन का, सॉरी q माइनस वन था ना, q माइनस वन का गुणा होगा r माइनस पी के साथ, हमने r माइनस पी के साथ गुणा कर दिया। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस लिखा, a का काम तो तमाम कर चुके थे, अब ये वाला पद बचा था, d को हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा है, r माइनस वन, r माइनस वन का गुणा किसके साथ होगा, p माइनस क्यू के साथ होगा, बिल्कुल हमने यहां पर गुणा करा दिया, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर बराबर, देखो यहां पर ना ये सब पद जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैसे, यहां पर मुझे प्लस क्यू दिखा और यहां पर मुझे माइनस क्यू दिखा, दोनों कैंसिल, ठीक है। चलिए यहां पर मुझे माइनस आर दिखा और यहां पर मुझे प्लस आर दिखा, इसकी भी कहानी क्लियर है, यहां पर मुझे माइनस पी दिखा और यहां पर मुझे प्लस पी, ये भी निपट गया, तो यहां पर हमें दिख क्या रहा है, यहां पर कुछ नहीं बचा, मतलब कि जीरो बचा, क्या बचा, जीरो बचा, ठीक है, प्लस का प्लस लिखा मैंने डी। फिर यहां पर देखो, यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, हाँ, p
पी का गुणा हम इन दोनों पदों के साथ करेंगे और ऋण एक का गुणा इन दोनों पदों के साथ करेंगे। तो पहले मैं पी का गुणा करूंगा क्यू से, तो प्लस पी का गुणा प्लस क्यू के साथ होगा तो प्लस पी क्यू लिखा जाएगा। फिर प्लस पी का गुणा करेंगे माइनस आर के साथ तो प्लस और माइनस माइनस हो चुका। पी का गुणा करेंगे आर से तो ये हो जाएगा पी आर, तो माइनस पी आर हमें मिल चुका। फिर माइनस वन का गुणा करेंगे माइनस क्यू के, सॉरी प्लस क्यू है ना, तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस का माइनस हो चुका। फिर एक का गुणा करेंगे क्यू के साथ तो ये हो जाएगा क्यू। बिल्कुल सर, यहां तक भी कहानी क्लियर है। फिर माइनस वन का गुणा मैं करने जा रहा हूं माइनस आर के साथ, तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का आर, प्लस का आर हमें मिल चुका। ठीक है, तो इस वाले पद की कहानी खत्म हो गई। अब इस वाले पद पे आते हैं, तो यहां पर प्लस है तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। क्यू का गुणा करेंगे आर से तो यहां पर ये क्या लिखा जाएगा प्लस का क्यू आर हो जाएगा, प्लस का क्यू आर हो चुका। ठीक है सर, क्यू का गुणा करेंगे माइनस पी के साथ तो यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है तो प्लस और माइनस का माइनस ये लिखा जाएगा माइनस का पी क्यू। माइनस एक का गुणा करेंगे प्लस आर के साथ तो ये हो जाएगा माइनस आर, माइनस एक का गुणा करूंगा माइनस पी के साथ तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का पी हो जाएगा। फिर सेम कहानी हम यहां पर भी दोहराएंगे, प्लस आर का गुणा करूंगा मैं पी के साथ तो ये हो जाएगा प्लस का आर पी। फिर प्लस आर का गुणा करूंगा मैं माइनस क्यू से तो ये हो जाएगा माइनस का आर क्यू। फिर माइनस वन का गुणा करेंगे प्लस पी के साथ तो ये हो जाएगा माइनस पी। माइनस एक का गुणा करेंगे प्लस सॉरी माइनस क्यू है ना, माइनस वन का गुणा करेंगे माइनस क्यू के साथ तो माइनस और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस का क्यू, प्लस का क्यू हमें मिल चुका। ये सारे पद भी कटने वाले हैं, आ जाइए सबको हम कटा देंगे। देखो कैसे कट जाएगा, देखो देखो अब इसको खैर लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो यहां पर देखो ए का गुणा करेंगे जीरो के साथ, जीरो का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे आपको क्या मिलेगा जीरो ही मिलेगा, तो इसके जगह मैंने लिख दिया जीरो प्लस का डी। फिर देखो यहां पर ये सब पद कट जाएंगे, कैसे कटेंगे, यहां पर प्लस का पी क्यू दिख रहा है और यहां पर मुझे माइनस का पी क्यू दिख रहा है, दोनों निपट गया, दोनों कैंसल। यहां पर मुझे माइनस का पी आर दिखा तो कहीं ना कहीं मुझे प्लस का पी आर भी दिखेगा। देख लो यहां पर प्लस का पी आर है, आगे पीछे इसको लिख दिया गया, आर को पहले और पी को बाद में लिख दिया गया, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो माइनस पी आर जो है वो प्लस पी आर के साथ निपट गया, बिल्कुल निपट गया सर। फिर यहां पर मुझे माइनस क्यू दिख रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे प्लस का मुझे सॉरी यहां पर माइनस क्यू था ना, तो माइनस क्यू यहां पर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं प्लस का क्यू भी दिखेगा, यहां पर मुझे प्लस का क्यू दिख गया, कैंसल। प्लस आर यहां पर दिखा तो कहीं ना कहीं माइनस आर दिखेगा, ये भी कैंसल। प्लस क्यू आर दिखा तो यहां पर देखो यहां पर माइनस क्यू आर है, ये भी निपट गया। फिर यहां पर देखो यहां पर प्लस पी है और यहां पर माइनस क्यू है, सॉरी माइनस प्लस पी है फिर यह पर माइनस पी है, ठीक है, ये दोनों हो चुका कैंसल। तो डी का गुणा अब यहां पर देखो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर कुछ नहीं बताया, मतलब कि जीरो बचा है। ठीक है सर, यहां तक की भी कहानी क्लियर है। अब देखो यहां पर ये जीरो हो जाएगा, अब जीरो का गुणा करेंगे डी से तो हमें जीरो ही मिलेगा, जीरो और जीरो को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा जीरो। ये सब कट कर क्या मिल चुका, हमें जीरो मिल चुका। और हमें सिद्ध क्या करना था कि इतना बराबर जीरो, ये तो ऑलरेडी आ ही चुका था ना, तो जो हमें सिद्ध करना था वो आ चुका है, बस लास्ट लाइन में इसको लिखने की देरी है। देखो अब लिखेंगे कैसे, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए के साथ, ए के साथ था q माइनस आर। फिर प्लस b के साथ क्या था, तो b के साथ था r माइनस पी, आर माइनस पी। फिर प्लस के साथ c के साथ क्या था, p माइनस क्यू, और बराबर के बाद हमें क्या मिल गया, जीरो मिल चुका। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। देखिए बच्चों थोड़ा सा लेंदी बना है, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से है ना, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं एकदम बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, मैं एकदम छोटे छोटे चीजों को नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चला हूँ। अगर किसी भी तरह से आपको डाउट हुआ होगा तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीन को समझ लिया, इसको आप 7 स्टार लगा के रखना, 7 स्टार भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन। देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। अच्छे से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके जाना है और इसको कम से कम आपको 6 से 7 मिनट में सॉल्व कर देना है। ये तो मुझे आपको समझाने के टाइम लग गया, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो 5 मिनट में इस क्वेश्चन का काम तमाम कर दूंगा। इतना मतलब कि छोटा क्वेश्चन बनता है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि 5 मिनट में इसका काम तमाम कर देना है। आ जाओ चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारे अध्याय का और इस क्लास का सब तरह से ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि क्या दिया है। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, आ जाओ। 3 समांतर श्रेणी हमें दी गई है,
तो तीन समांतर श्रेणियों के एन पदों का योगफल हमें दिया गया है, S1, S2 और S3 है, ठीक है सर, बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। फिर बोलता है यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद ए, तीन हमें समांतर श्रेणी दी गई है और एन पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 और S3 दिया गया है, जिसमें से बोला गया है कि तीनों समांतर श्रेणी में तीनों समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक समान एक है तथा सर्वांतर अलग अलग है, सर्वांतर एक दो और तीन है, पहले वाले के लिए एक, दूसरे वाले के दो और तीसरे वाले समांतर श्रेणी के लिए सर्वांतर क्या है, तीन है। तो हमें सिद्ध करना कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2, ये हमें प्रूफ करके दिखाना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन को मैं बनाता हूं, देखो। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले वाले में माना था समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, सेम यहां पर भी हम वही काम करेंगे, पहले लाइन में मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद ए, यहां पर हम स्मॉल ए मान लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें ए नहीं दिया गया है, तो हमने प्रथम पद को क्या मान लिया, ए मान लिया, बिल्कुल सर। फिर हम सर्वांतर को भी मान लेते ना, तथा सार्व अंतर, तथा सार्व अंतर, सार्व अंतर इसको मान लिया स्मॉल डी है। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है कि सर, बिल्कुल क्लियर है। फिर हमें तीन समांतर श्रेणी दी गई है, जिसमें से पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक है, तीनों समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या होगा, एक ही होगा, क्या होगा, एक ही होगा, बस चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, सार्वांतर का मान बदल जाएगा तीनों समांतर श्रेणियों के लिए। अब यहां पर हम लिखेंगे कैसे, देखो, तो हम यहां पर लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी के लिए, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए तीन हमें समांतर श्रेणी दी गई है ना, तो प्रथम समांतर श्रेणी के लिए, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए, चलिए बोलिए, तो प्रथम समांतर श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर, तो प्रथम पद तो ए ही होगा, एक ही होगा, तीनों के लिए प्रथम पद का मान एक ही होगा, तथा सार्व अंतर, तथा सार्व अंतर, अब सार्व अंतर का मान क्या दिया है प्रथम पद के लिए, तो सार्व अंतर का मान देख लीजिए क्या है, एक है, तो यहां पर ये आ चुका एक, क्या मिल चुका हमें, एक मिल चुका, बिल्कुल सर, यहां तक की भी कहानी क्लियर है, ठीक है। अब हम एन पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, अतः समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे, अतः योगफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 और S3 है, ये पहले वाले समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल है, ये दूसरे वाले समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल है, और ये है हमारा तीसरे वाले समांतर श्रेणी के लिए एन पदों का योगफल, तो मैं पहले वाले के लिए पहले निकाल रहा हूं, अतः समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, योगफल, ठीक है बच्चों, यहां की गाली अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल। तो एन पदों का योगफल हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से समझाया, वो था क्या था, एस एन इज इक्वल टू, ये था 2a, फिर 2a नहीं था, ब्रैकेट के बाद में था, n by 2 ब्रैकेट में था वो ना, 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है हमारा n पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला, जब हमें अंतिम पद नहीं दिया जाएगा तब के केस में, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम एस एन की जगह क्या रखेंगे, देखो हमें पता है कि ये कौन सा पद का निकाल रहे हैं, पहले वाले समांतर श्रेणी के लिख रहे हैं, तो एन की जगह मैंने यहां पर रखा एक, एन की जगह क्या रखा, एक रखा, बिल्कुल सर, यहां पर हम एन की जगह रखेंगे एक, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर 2a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, एक है, तो दो का गुणा करेंगे एक के साथ, तो दो ही मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का प्लस, एन की जगह रखेंगे क्या, एन की जगह क्या रखेंगे, तो एन की जगह मैं रखने जा रहा हूं एक को, तो यहां पर आ चुका एक, क्या मिल चुका, एक हमें मिल चुका सर, बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, एन की जगह अभी फिलहाल कुछ नहीं रखते, एन का मान हम एन ही रखते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा n/2 प्लस, फिर ये हो जाएगा n/2 2 के साथ प्लस, फिर यह लिखा जाएगा n-1, डी का मान क्या था एक, तो एक का गुणा इसके साथ करूंगा तो मुझे n-1 ही मिलेगा ना, तो डी को आप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहां पर ये आ गया, ठीक है, यहां तक की भी कहानी अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, आ जाओ आगे इसको हल करते हैं, देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो S1 बराबर, ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा n/2 हुआ, चलो अब आगे बताओ, हम यहां पर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + n-1, मैंने ब्रैकेट को खोल दिया, ठीक है बच्चों, यहां तक की भी कहानी क्लियर है सर, बिल्कुल।
तो एस वन बराबर ये हो जाएगा एन बाय टू। देखो यहां पर दो में हम एक को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो मैं पहले एन को लिख दिया, फिर ये हो जाएगा माइनस एन, क्यों प्लस एन आएगा ना, क्योंकि हम धन दो में एक घटाने वाले हैं, तो यहां पर हमें प्लस का एक मिलेगा, ये हमें मिल चुका। ठीक है बच्चों, यहां तक हमें एस वन मिल चुका, एन बाय टू ब्रेकेट में क्या मिला, एन प्लस वन हमें मिल चुका। चलिए इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर एक, क्या मिल चुका, समीकरण नंबर एक मिल चुका। तो पहले वाले समांतर श्रेणी का हम एन पदों का युगफल निकाल चुके, सेम केस हम यहां पर करेंगे दूसरे वाले समांतर श्रेणी के लिए। ठीक है, तो आ जाओ, तो अब हम क्या लिखेंगे, द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद। ठीक है, तो यहां पर हम लिखना चाहेंगे, देखो दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद। अब तीनों समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो ए बराबर एक ही था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है तीनों समांतर श्रेणी के लिए। जो चेंज हुआ है वो सार्व अंतर का मान हुआ है, सार्वांतर का मान हुआ है, कॉमन डिफरेंस का मान चेंज हुआ है। तो दूसरे वाले समांतर श्रेणी के लिए सार्व अंतर का मान क्या है, देख लीजिए दो है, तो यहां पर मैंने लिख दिया दो, क्या लिख दिया, दो लिख दिया। अब हमने यहां पर क्या लगा था, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल निकाले थे, तो यहां पर फिर से हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल। अतः समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, देखो एन पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, देखो चूंकि हम एस टू निकालेंगे क्योंकि दूसरे समांतर श्रेणी के लिख रहे हैं, तो यहां पर अब हम एन की जगह रख दिए टू, तो ये हो जाएगा एस टू बराबर एन बाय टू। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टू ए प्लस ये होता है एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा एस टू बराबर, देखो एन बाय टू हो चुका। चलिए ए की वैल्यू क्या है, तो दो के साथ ए के साथ दो और ए दोनों गुणा में है ना, तो दो के साथ गुणा होगा ए का, और ए का मान क्या है, एक है, तो दो का गुणा करेंगे एक के साथ तो हमें दो ही मिलेगा ना, तो ये हो चुका दो। प्लस है तो प्लस, एन की जगह एन ही रखेंगे, माइनस वन। डी की वैल्यू क्या है, तो डी का मान हमें पता है कि दो है सर, बिल्कुल दो चिपका दिया। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एस टू बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा, ये एन बाय टू हो चुका, एन बाय टू हमें मिल चुका बिल्कुल। चलो अब यहां पर क्या होगा, देखो तो 2 को पहले मैंने लिखा, फिर 2 का गुणा करेंगे n के साथ, तो ये हो जाएगा 2n, फिर 2 का गुणा करेंगे ऋण 1 के साथ, तो ये हो जाएगा ऋण 2। अब ये प्लस का 2 और ये माइनस को 2 निपट गया, फिर ये 2 से ये 2 निपट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, n का गुणा होगा n से, तो हमें यहां पर सीधा मिल जाएगा एस टू बराबर, एन का गुणा होगा एन के साथ, तो हमें मिल जाएगा एस टू बराबर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर। क्या मिल चुका बच्चों, एन स्क्वायर हमें मिल चुका। बोलो यहां तक कहानी अच्छे से क्लियर, क्या सर बिल्कुल क्लियर है। फिर सेम हम निकाल लेंगे तीसरे वाले समांतर श्रेणी के लिए, तो तीसरे वाले समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए बराबर एक ही होगा, सार्वांतर का मान बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। चलिए अब हम फिर से वहां पर लिखेंगे, फिर से अपनी कहानी को दोहराने वाले हैं, कैसे दोहराएंगे, देखो तीसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर तो एक ही रहेगा, सार्वांतर का मान चेंज हो जाएगा, सार्व अंतर अब की बार क्या हो जाएगा, डी बराबर तीन हो जाएगा, तीसरे के लिए तीन हो जाएगा। चलिए अब हम यहां पर फिर से निकालेंगे योगफल, अतः समांतर श्रेणी, ये इस अध्याय का सबसे लेंदी क्वेश्चन है, सबसे लेंदी क्वेश्चन नहीं है और इसी के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ये बड़ा है और ये 6 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। अतः समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल, चलिए तो हम चूंकि तीसरे वाले श्रेणी के निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा एस थ्री बराबर एन बाय टू। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ये होता है 2a प्लस एन माइनस वन डी होता है। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, सबको रख देंगे, तो एस थ्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन बाय टू, 2a, a की वैल्यू क्या है, एक है, तो दो का गुणा करेंगे एक के साथ, तो हमें दो ही मिलेगा ना। ठीक है, तो हमें यहां पर एक को लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस एन माइनस वन को कोई चेंज नहीं किया, डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू यहां पर थ्री है। चलिए अब हम तीन का गुणा करेंगे इन दोनों पदों के साथ, तो ये हो जाएगा एस थ्री बराबर एन बाय टू, चलो दो को पहले मैंने लिखा, फिर क्या करेंगे, तीन का गुणा करेंगे एन के साथ, तो ये हो जाएगा थ्री एन, तीन का गुणा करेंगे ऋण एक के साथ, तो ये हो जाएगा ऋण तीन। चलिए आगे, तो ये हो जाएगा एस थ्री इज इक्वल टू एन बाय टू,
एन बाय टू। चलो अब देखो, तीन में हम दो घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा, लेकिन धन मिलेगा कि ऋण मिलेगा, बड़ी संख्या का हम चिन्ह लगाते हैं। तीन में दो घटाएंगे तो एक मिलेगा, तीन के सामने में ऋण का चिन्ह है तो क्या मिलेगा, ऋण एक मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, ऋण एक मिलेगा। उससे पहले मैंने थ्री एन को लिखा, फिर ये माइनस एक हो जाएगा। चलो यहां तक की भी कहानी क्लियर है सर। तो देखो तीनों समांतर श्रेणी में हम एन पदों का योगफल निकाल चुके हैं। एस वन निकाल चुके थे, ये आया था, एस टू हमारा ये आया था, और एस थ्री हमारा ये आया हुआ था। ठीक, अब एक बार हम सिद्ध करना उसको लिखते हैं। तो देख लीजिए यहां पर हमें क्या सिद्ध करना है, एस वन प्लस एस थ्री इज इक्वल टू टू एस टू हमें प्रूफ करना है। तो एस वन प्लस एस थ्री यानी कि बच्चों यहां पर बात करूं, एस वन कब आया था, तो एस वन पहले वाले समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल के लिए आया था, और एस थ्री कब आया था, तीसरे वाले समांतर श्रेणी के लिए एन पदों का योगफल हमने निकाला था, तो एस थ्री आया था। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो हमने तीन समीकरण लिए होगा, एक ये हो गया, दो ये हो गया, और ये हमारा तीन समीकरण हो चुके। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले समीकरण और ये तीसरे वाले समीकरण को जोड़ दूंगा। तो इसमें हमें मिलेगा क्या, यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले जोड़ेंगे तो एस वन प्लस ये हो जाएगा एस थ्री, तो हमें जो प्रूफ करना था उसका ये वाला पद आ जाएगा। ठीक है, एस वन प्लस एस थ्री आ जाएगा, फिर बाकी की कहानी हम उधर सॉल्व करते हुए देख लेंगे। आ जाओ, तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, आ जाओ अभी और चलेगा ये थोड़ी देर, चलो आ जाओ। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, समीकरण एक व तीन को जोड़ने वाला हूं। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, वहां पर दिख गया है कि एस वन प्लस एस थ्री है, और एस वन कब आया था, पहले वाले समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल के लिए। तो यहां पर देखो एस वन प्लस एस थ्री लिखा जाएगा। पहले हम हमेशा किसको जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ जाता है। फिर एस वन का मान, तो एस वन का मान क्या था, ठीक है यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, एक सेकेंड ना, चलो आ जाओ, देखो चलो आ जाओ। तो ये हो गया S1 प्लस S3। ठीक है, तो S1 का मान क्या था, S1 का मान यहां पर था n बाय टू, n बाय टू, फिर ब्रेकेट में था n प्लस वन, ब्रेकेट में क्या था, n प्लस वन था। फिर समीकरण तीन का राइट हैंड साइड क्या था, जोड़ने वाले, तो मैंने धन का चिन्ह लगा दिया, बिल्कुल सर लगा दी। एस थ्री का मान था एन बाय टू, एन बाय टू, फिर ब्रेकेट में क्या था, थ्री एन माइनस वन, थ्री एन माइनस वन था, हमने दोनों को जोड़ दिया। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो एस वन प्लस एस थ्री, इसमें कोई चेंजेस नहीं, बराबर यहां पर n बाय टू है, यहां पर भी n बाय टू है, चलो ना दोनों जगह से हमने n बाय टू को निकाल लिया कॉमन, तो यहां पर क्या बचा, n प्लस वन बचा, n बाय टू को हमने यहां पर कॉमन निकाल के लिख दिया, तो यहां पर क्या बचा, प्लस, प्लस तो प्लस लिखा, प्लस का क्या बचेगा, थ्री एन माइनस वन बच चुका, ये प्लस वन और ये माइनस वन निपट गया, तो हमें क्या मिला, एस वन प्लस एस थ्री इज इक्वल टू एन बाय टू, एन बाय टू। यहां पर एक एन है और यहां पर तीन एन है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा चार एन। क्या मिल चुका बच्चों, चार एन मिल चुका, दो एक कम दो और ये हो जाएगा दो दूनी चार। ठीक है, तो एस वन प्लस एस थ्री बराबर, एस वन प्लस एस थ्री बराबर, दो को मैंने पहले लिख लिया, एन का गुणा होगा एन के साथ, तो हमें मिल जाएगा एन स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब एन स्क्वायर का मान हमें कहां से मिलेगा, तो समीकरण दो में आइए और देखिए एन स्क्वायर का मान क्या है, एस टू है, तो मैं एन स्क्वायर की जगह यहां पर S2 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो S1 plus S3 is equal to, ये हमें मिल चुका 2S2, 2S2 मिल चुका है, n square का हमने मान चिपका दिया जो कि क्या S2 है, जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है। देख लीजिए बच्चों हमें सिद्ध क्या करना था, S1 plus S3 is equal to 2S2, ये हमें प्रूफ करके दिखाना था और ये आ भी चुका है, S1 plus S3 is equal to 2S2 हमें मिल चुका है, यही हमें सिद्ध करना था, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो ये थोड़ा सा लंबा बना, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा लंबा बना है, और यही क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा चांस बनता है इस अध्याय में आने के, क्योंकि छह नंबर के लिए पूछा जाना है तो थोड़ा सा तो लेंदी बनना ही है ना, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो अध्याय चार का सफर है, अध्याय चार का भी जो सफर है वो अच्छे से बीत गया। हमने टोटल इसके तीन पार्ट देखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैंने बात किया हुआ है, पी वाई क्यूज पर बात किया, और साथ ही साथ ने क्विक रिवीजन भी कर लिया है। अगर कई बच्चों को लगता कि सर आपने थोड़ा सा स्पीड पढ़ाया है, हमारा बेसिक एकदम कमजोर है, स्ट्रांग कर दो, तो उन बच्चों को मैं बार बार बोलता हूं
कि आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए, हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करिए, वहां पर मैंने आपका क्लास 10 के सारे चैप्टर को एकदम क्रम से पढ़ाया हुआ, टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है। हर टॉपिक के आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे, क्विज क्वेश्चन मिल जाएंगे, माइंड मैप मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको पढ़ने के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे। तो वहां पर जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यहां पर एग्जाम की तैयारी कराने के लिए आया हुआ हूं, तो मैं हर एक चीजों को, हर एक क्वेश्चन को नहीं करवा सकता, हर क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ सकते, ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। तो हम कम में बम पढ़ने वाले हैं, कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से अच्छे पढ़ेंगे, उसमें ही क्वेश्चन आने वाला है। इतने की ही अगर आप तैयारी कर लेंगे ना बच्चों, तो 100% मान के चलिए कि आपके बहुत ज्यादा अंक आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमारा यह अध्याय 4 भी खत्म होता है। अब इस यूनिट का एक और अध्याय बच चुका है, अनुपात एवं समानुपात, और हमारा यह पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। 20 नंबर की तैयारी हम कर लेंगे, फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में अध्याय 5 के साथ, अनुपात एवं समानुपात के साथ। तब तक के लिए क्या करेंगे, आज जो मैंने पढ़ाया बिल्कुल अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है और बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।